नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स के डिस्कशन में मैं आज एक इंटरेस्टिंग विषय आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी अभी वित्त वर्ष 2018-19 खत्म हुआ है और अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है कि हमारे को जो रिटर्न भरनी है वित्त वर्ष 18-19 यानी असेसमेंट ईयर 19-20 वो कब तक भरनी है और उसकी कैसे हमें तैयारी करनी है। तो मैं सर मेरे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से जो सीखा हूँ वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ एंड आई एम होपफुल कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आप ये जो होमवर्क मैं बताने वाला हूँ यदि आप ये कर लेंगे तो आपको आने वाले समय में ये होमवर्क रिटर्न भरने में बहुत सुगम तरीके से रिटर्न भरने में हेल्प करेगा। तो मेरा सर यहाँ पर आपको सजेशन है कि आप रिटर्न भरने के लिए अब कुछ डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना शुरू करें। मैं ये नहीं कह रहा अभी आपको रिटर्न भरना है, रिटर्न भरने में अभी समय लगेगा और ड्यू डेट अभी 31 जुलाई है। अगर आप अभी रिटर्न फाइल करना भी चाहें तो अभी तक मेरे हिसाब से सीबीडीटी ने भी रिटर्न के फॉर्म आज की डेट यानी 2 अप्रैल 2019 तक नोटिफाई नहीं किए। वंस दोज फॉर्म्स विल बी नोटिफाइड फॉर द असेसमेंट ईयर 19-20 देन अ पॉसिबिलिटी वुड अराइज कि हम उसकी रिटर्न भर पाएं। लेकिन मैं जैसे पहले भी कह रहा था कि आपको रिटर्न भरने के लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेने चाहिए, अपनी एक फाइल बनाइए सर, ये मेरा सजेशन है। और आप उस फाइल को हर असेसमेंट ईयर के लिए बनाते जाइए या एक ही फाइल में असेसमेंट ईयर वाइज डॉक्यूमेंट लगाते जाइए। ये फाइल में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रखने हैं ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आपके जो भी बैंक खाते हैं जिनके अंदर आप ट्रांजेक्शन करते हैं आप उन बैंक स्टेटमेंट को कोलेक्ट करिए, इकट्ठा करिए, रिलेवेंट बैंक से उस बैंक स्टेटमेंट की कॉपी इकट्ठी करिए। अगर बैंक आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं दे रहा तो आपकी पासबुक अपडेटेड होनी चाहिए, ये काम आपको करके रखना चाहिए। आपको मेरे राय में एक समराइज्ड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना के रखना चाहिए। मैं इसे सरल भाषा में बोलूं तो मैंने एक वित्त वर्ष में कितनी तो मेरे को प्राप्तियां हुई और कितने मेरे खर्चे हुए उनका एक मोटा मोटा हिसाब सर हर व्यक्ति के पास में बना हुआ तैयार होना चाहिए कि हाँ साहब मेरे पास विभिन्न स्रोतों से 10 लाख रुपए आए और मैंने 10 लाख रुपए के अगेंस्ट में 6 लाख रुपए खर्च कर दिया। अब बाकी 4 लाख रुपए मेरे इन्वेस्ट हो गए या मेरे पास में बैंक बैलेंस के रूप में पड़े हैं या कैश बैलेंस के रूप में पड़े हैं। तो ऐसा हर व्यक्ति के पास में एक समराइज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होना चाहिए। साथ ही साथ सर कई लोग सैलरी पेड होने के साथ या बिजनेस ट्रांजेक्शन के साथ साथ कुछ सिक्योरिटी मार्केट के ट्रांजेक्शन भी करते हैं, जैसे शेयर्स खरीदना, शेयर्स बेचना, कमोडिटी मार्केट में ट्रांजेक्शन करना, F&O के ट्रांजेक्शन करना। तो आपके जो भी ब्रोकर है जिसके थ्रू आपने ट्रांजेक्शन किए आप उनसे अपना सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन का स्टेटमेंट इकट्ठा करिए, उनसे प्रॉफिट एंड लॉस इकट्ठा करिए, बिकॉज ये प्रॉफिट एंड लॉस या सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन का स्टेटमेंट आपके इनकम टैक्स कंसल्टेंट यानी चार्टर अकाउंटेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है कि वो इसके थ्रू सर आपकी रिटर्न में सही अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन या बिजनेस का जो भी इनकम है वो बता पाएंगे। साथ साथ सर अगर आपने रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में कोई प्रॉपर्टीज खरीदी है या कोई प्रॉपर्टी बेची है तो आपके पास में उस खरीदने बेचने के संदर्भ में प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए। यदि आपने प्रॉपर्टी बेची है तो आपकी प्रॉपर्टी बेचने की रजिस्टर्ड सेल डीड की कॉपी, वो प्रॉपर्टी कब खरीदी थी उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, उस प्रॉपर्टी को खरीदते समय कितने भुगतान किए, बेचते समय कैसे कैसे भुगतान प्राप्त किए, ये सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। यदि आपने प्रॉपर्टी बेच के दूसरी प्रॉपर्टी ली है तो वो प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी आपके पास होनी चाहिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं कैपिटल गेन की एग्जम्पशन क्लेम करने में भी काम में आएंगे। आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी उसके स्रोत क्या है, क्या आपने लोन से खरीदी, आपने गिफ्ट से खरीदी, आपके खुद के सेविंग्स थे, ये भी सर आपके पास में एक समराइज फॉर्मेट में अवेलेबल होना चाहिए। यदि सर आपने अपने खाते में किसी प्रकार का कैश डिपॉजिट कराया है तो मेरी राय में सर आपके पास में उस कैश डिपॉजिट का स्रोत भी क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने ही कुछ समय पहले कैश निकाला था वो जमा कराया, मुझे मेरे माताजी पिताजी मेरे किसी रिलेटिव ने कैश दिया था वो मैंने जमा कराया, या मुझे कोई कैश में आई हुई जो मैंने खाते में जमा कराई, बिकॉज ये चीज़ें आपकी रिटर्न फाइनल करने में टैक्स कंसल्टेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। साथ ही साथ सर यदि आपने ATC जैसे LIC में, PPF में, बच्चों के ट्यूशन फीस में कोई कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं तो आपके पास में उन कॉन्ट्रीब्यूशंस की रसीदें एक फाइल में होनी चाहिए, बिकॉज
ये आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भरने में ही नहीं, कल यदि खुदा ना खास्ता असेसमेंट खुलता है तो उस असेसमेंट में भी डॉक्यूमेंटेशन में काम में आएगी। इसी प्रकार से आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस पे किया है तो उसका भी डॉक्यूमेंट उस फाइल में जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं लगा करके रखिए। तो सर ये तो मैंने आपके सामने बात रखी कि आपको अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की एक समरी बना करके, साथ साथ बैंक स्टेटमेंट लगा करके, अगर कोई इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आ रहा है आपको किसी पार्टी से या बैंक से, वो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ऐसे एक समराइज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को एक फाइल में निश्चित रूप से लेकर रखिए, ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली। अब रही बात यदि मैं ड्यू डेट की बात करता हूँ कि ड्यू डेट इस साल की रिटर्न असेसमेंट ईयर 19-20 की कब तक है, तो वो 31 जुलाई है नॉर्मल केसेस में, अनऑडिटेड असेसीज के केस में सर 30 सितंबर है। अब हमें कब जल्दी से जल्दी रिटर्न भरनी है, या लास्ट डेट तो मैंने आपके सामने रखी थी, तो जल्दी से जल्दी सर मेरा ये मानना है यदि आपका TDS कटा है और वो TDS आपके 26AS में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जैसे ही आपके CBDT द्वारा ऑनलाइन फॉर्म्स आ जाएंगे आप रिटर्न भर पाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल बेसिस पर यदि आपका लास्ट क्वार्टर में TDS कटा है तो मेरे हिसाब से 31 मई तक तो सर TDS रिटर्न भरने की लास्ट डेट पेयर को मिलती है। अगर वो 31 मई तक अपनी रिटर्न भर देते हैं तो आपके 26AS में अगले 7-10 दिन में वो क्रेडिट दिखेगी। यानी कहने का मतलब है जब तक आपका 26AS फाइनल नहीं हो जाता आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरेंगे। किसी को बहुत जल्दी है और वो रिटर्न भर देता है अधूरे 26AS के साथ, तो सर उन्हें अपने 26AS को बाद में अपडेट होने पर अपनी रिटर्न को रिवाइज भी करना पड़ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से सर प्रैक्टिकली कोई भी व्यक्ति रिटर्न 1 जून से 31 जुलाई के बीच ही भर पाएगा। अब रही बात सर स्लैब रेट्स की, तो स्लैब रेट आप सबको पता है लेकिन मैं फिर भी एक बार समराइज कर देता हूं कि इंडिविजुअल के लिए स्लैब रेट 2.5 लाख तक कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, यदि 2.5 लाख तक टोटल इनकम है। 2.5 लाख से 5 लाख तक सर जो टैक्स लायबिलिटी लगेगी वो 5% की रेट से लगेगी, 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक 20% लगेगी, और 10 लाख से ऊपर सर 30% की टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी। सीनियर सिटीजन के लिए एग्जम्पशन लिमिट, यानी जिनकी एज पिछले वित्त वर्ष में 60 साल या उससे ऊपर किसी भी दिन हो गई थी, उनके लिए 3 लाख की एग्जम्पशन लिमिट है, उसके बाद 3 लाख से 5 लाख तक 5%, और 5 लाख से ऊपर सर उनको वही 20%, और 10 लाख से ऊपर 30% रेट से टैक्स देना। सुपर सीनियर सिटीजन को 5 लाख तक की टोटल इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना, 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक 20% और उससे ऊपर 30% की रेट पर टैक्स देना है। तो ये सर कुछ बातें मैंने अभी जो आपके सामने रखी है वो एज अ होमवर्क रख रहा हूँ सर मैं, कि आपको होमवर्क क्या करके रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप तुरंत कंसल्टेंट के पास में पहुंच जाइए और रिटर्न भरने के लिए उनको रिक्वेस्ट करें, रिटर्न भरने में अभी लाजमी है कि कुछ समय लगेगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके सामने रखी है ये एक राइट टैक्स प्रैक्टिस आपके लिए हर साल लेकर के आएगी, एंड दिस विल हेल्प यू इन डेवलपिंग अ हैबिट ताकि आप अपने टैक्स मैटर्स को प्रॉपरली कंपाइल कर सकें और उसके बेसिस पर एक प्रॉपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आने वाले समय में सर ITR से रिलेटेड कुछ और डिस्कशन आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद सर।